देश की सबसे सुरक्षित इमारत माने जाने वाले संसद भवन में बड़ी सुरक्षा चूक हुई है। संसद में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दो शख्स दर्शक दीर्घा से कूद गए और स्प्रे से धुआं छोड़कर बवाल करने लगे। बताया जा रहा है कि करीब 1 बजे लोकसभा की कार्यवाही के दौरान ही पूरी घटना को अंजाम दिया गया। टीवी फुटेज के मुताबिक दो लोग सदन के अंदर दर्शक दीर्घा से कूदे और उसमें से एक युवक ने अपना जूता खोल लिया तो दूसरे ने धुएं का पटाखा चलाकर सनसनी फैला दी। इसके बाद सांसदों ने उन्हें पकड़कर सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया। इस पूरी घटना से एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। दरअसल संसद पर 22 साल पहले आतंकी हमले के बाद सुरक्षा के लिए एक ऐसे ग्रुप का भी गठन किया गया था जो आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो फोर्स थी। इसको पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप का नाम दिया गया था। इस ग्रुप के पास आधुनिक हथियार होते हैं और ये संसद के चप्पे चप्पे पर फैले हुए रहते हैं। इस ग्रुप के सुरक्षा कर्मियों को CRPF से लिया जाता है और केवल 4 साल के लिए ही इस सर्विस में आते हैं और बाद में CRPF में वापस लौट जाते हैं। ये सभी स्पेशल कमांडोज होते हैं। इस तरह से होती है सुरक्षा। संसद की सुरक्षा पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस करती है। इसमें CRPF, दिल्ली पुलिस और संसद की अपनी सुरक्षा टीम होती है। संसद भवन की सुरक्षा का जिम्मा जॉइंट सेक्रेटरी सिक्योरिटी के पास होता है। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा के अपने अपने सुरक्षा घेरे होते हैं। ये लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय संचालित करते हैं। अलग इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम। संसद भवन का इसी के साथ अपना एक अलग इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम भी है। इसका एक बड़ा कंट्रोल रूम होता है और हजारों CCTV कैमरों से संसद के कोने कोने के रिले को इस कंट्रोल रूम में लोग मॉनिटर करते हैं। इसी कंट्रोल रूम से लोग लाइव फीड देखकर सुरक्षा कर्मियों को सूचनाएं भी दी जाती हैं। आम भाषा में कहे तो संसद के ये आँख और कान का काम करते हैं। कई लेयर में सिक्योरिटी। संसद के अंदर और बाहर की सिक्योरिटी कई लेयर में की जाती है। इसकी सिक्योरिटी के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी मौजूद रहते हैं। संसद के अंदर घुसने से पहले ही स्कैनर मशीनों और बैरिकेड से होकर गुजरना होता है। ये यहीं खत्म नहीं होता। संसद में सांसदों के अलावा किसी भी अन्य को प्रवेश करने के लिए खास एंट्री कार्ड मिलता है। इस कार्ड को स्कैन करने के बाद ही बाहरी गेट से प्रवेश किया जा सकता है। इसके बाद भवन तक पहुंचने के दौरान भी 2 बार सुरक्षा जांच से गुजरना होता है। इस दौरान भी पूरी तरह से व्यक्ति का स्कैन कर लिया जाता है और किसी भी तरह का हथियार, नुकीली वस्तु, पान, बीड़ी, सिगरेट या माचिस जैसा कोई भी सामान वहीं जमा हो जाता है। इसके बाद आती है सबसे मुख्य लेयर। ये वो लेयर होती है जहां पर भवन के अंदर की सुरक्षा की जाती है। यहां 2000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की अलग अलग भागों में तैनाती रहती है। हालांकि ये तैनाती लोकसभा और राज्यसभा भवनों के बाहर तक ही होती है। भवन के अंदर की सुरक्षा पूरी तरह से पार्लियामेंट सिक्योरिटी के पास होती है और यहां पर मार्शल तैनात रहते हैं जो किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। पार्लियामेंट से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए News 18 हिंदी ओरिजिनल्स के साथ।